समस्या है। आप तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का एक विवादित बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को भगवान राम की उपाधि दी है। सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी को भगवान राम बताते हुए कांग्रेसियों को भारत की संज्ञा भी दी है। इस वक्त सलमान खुर्शीद मुरादाबाद में प्रेस वार्ता कर रहे थे। ऐसा है, आप तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है तो कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है, तो भरत उनकी खड़ाव लेकर चलते हैं। तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं, उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। यूपी में राहुल गांधी की यात्रा 3 जनवरी से शुरू हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर मुरादाबाद पहुंचे सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी का भगवान राम और पार्टी कार्यकर्ताओं को भारत बताया तो इस पर यूपी की सियासत गर्मा गई है। यूपी के डिप्टी सीएम ने सलमान खुर्शीद के बयान को दुखद बताते हुए कहा कि जनता ये कभी स्वीकार नहीं करेगी, ना हम स्वीकार करेंगे। पुरुषोत्तम भगवान राम से राहुल गांधी की तुलना बेहद ही अस्वीकार्य है। ये दुखद है, इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे और देश की जनता भी नहीं स्वीकार करेगी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी से तुलना बिल्कुल भी गलत है। अब जब राजनीति में बात भगवान पुरुषोत्तम राम की हुई हो तो भला संत समाज कैसे शांत रह सकता है। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि कोई भी व्यक्ति भगवान राम नहीं हो सकता, ना ही भरत हो सकता। कभी भी राहुल गांधी की तुलना राम से नहीं की जा सकती। तो वहीं अयोध्या के तपस्वी पीठाधीश्वर परमहंस आचार्य ने तो राहुल गांधी को अलग ही चुनौती दे डाली, जबकि विश्व हिंदू परिषद ने भी सलमान खुर्शीद के बयान की निंदा की है। देखिए, कोई भी व्यक्ति भगवान राम नहीं हो सकता और न भरत हो सकते हैं। कभी भी राहुल गांधी को ये तुलना राम से करते हैं वो नहीं हो सकते और उनकी पार्टी भरत नहीं हो सकती। राहुल उनको सलमान खुर्शीद को कहना चाहिए था कि हमारे पैगंबर, हमारे जो इस्लाम है वह है कांग्रेस पार्टी है और हमारे जो क्या कहते हैं अल्लाह खुदा है वो अल्लाह खुदा स्वयं राहुल गांधी है, ऐसा उनको कहना चाहिए था। राहुल गांधी को भगवान राम से तुलना करना ये बिल्कुल गलत है। इस पर अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, ये इस पर मैं जो है तो आपत्ति है मुझे है। और राहुल गांधी को मेरा चैलेंज है, राहुल गांधी ना तो कोई श्लोक और ना तो कोई चौपाई, एक चौपाई अगर राहुल गांधी जो है याद हो तो बोल दें तो मैं मान लूँ। और ये कांग्रेसी वही है कि प्रभु श्री राम रामलला के दिव्य भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए जब राम भक्त प्रयास कर रहे बरसों तक ये रोड़ा बने रहे, बरसों तक प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस पार्टी, भगवान श्री राम को काल्पनिक कहने वाली कांग्रेस पार्टी, आज ये जो है तो राम जी की खड़ाऊ लेके चल रहे हैं, आज ये राम भरत की चर्चा कर रहे हैं, रामलीला का अभिनय शुरू कर दिए हैं। जो कांग्रेस और राहुल जी भगवान राम के अस्तित्व को नकार रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि राम एक काल्पनिक चरित्र है, आज वो अपने को राम उनके नेता राहुल जी को टी शर्ट पहनने पे राम की, राम कोई एक चित्र नहीं है, एक चरित्र है जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे जिन्होंने सबका सम्मान किया। राहुल जी तो वीर सावरकर को गाली देते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों को गाली देते हैं, ये कैसे राम से इनकी तुलना हो सकती है। बात अभी हिंदुत्व पर आ रही है, जिसको हिंदुत्व को इन्होंने बदनाम किया आज राम का नाम लेने लगे, चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कम से कम कुबुद्धि पूर्वक नहीं लेना चाहिए। राम का नाम लो तो कम से कम श्रद्धा और विश्वास के साथ में, किसकी खड़ाओं की बात करो यार, शर्म आनी चाहिए इनको। भगवान राम की खड़ाओं की तुलना रामद्रोही से कर रहे हो आप, ये कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा बेनकाब होता जा रहा है और मैं तो यही कहूंगा विनाश काले विपरीत बुद्धि। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मुरादाबाद में प्रेस वार्ता करते हुए सलमान खुर्शीद ने कहा कि भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती हैं, तो कभी कभी खड़ाऊ लेकर भी चलना पड़ता है, हमेशा भगवान राम ही नहीं पहुंच पाते, भरत जी उनकी खड़ाऊ लेकर चलते हैं, खड़ाऊ लेकर हम यूपी में चले हैं, यूपी में खड़ाऊ पहुँच गई है तो राम जी भी पहुँचेंगे, ये हमारा विश्वास है।